Hello dear student, I am Sapna Viklani from Awesome Pathak School. Today we are going to discuss about sternum and ribs. Okay, first of all we discuss about the sternum. सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, ये sternum की. Okay, it is 15, see from here to here, 15 centimeter long flat bone. यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग ये फ्लैट बोन है, पूरा चपटा बोन है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट, यू कैन सी हियर, सी 3 सेगमेंट. ये फर्स्ट पोर्शन आप देख रहे हैं, ये यहाँ तक का मैं आपको दिखाती हूँ. ये फर्स्ट पोर्शन, इट इज़ कॉल्ड व्हाट, मेन्यूब्रियम. सी आप देख सकते हैं, दिस इज मेन्यूब्रियम. देन दिस लॉन्ग पोर्शन इज कॉल्ड बॉडी एंड ये छोटा वाला आप देख रहे हैं, हाँ दिस पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे, तो कि भाई इसको बोलेंगे एक्साइफोइड प्रोसेस. ओके, मेन्यूब्रियम वो उसका पहला भाग है, दूसरा भाग अगर हम बोले तो उसका बॉडी, और तीसरा भाग बोले तो ज़िगोट प्रोसेस. आप देख सकते हैं 3 भाग, देखो मैं अब एक और डायग्राम आपको देखो 3 भाग. यहाँ तो मैंने लिखा है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, बराबर. यहाँ पे जो नोच है ना, ये सुप्रास्टर्नल नोच, स्टर्नम के ऊपर सबसे ऊपर है वो, तो जुगुलर नोच इसको बोलेंगे, है ना. चलो मैंने कलरफुल डायग्राम यहाँ पे ये दिखाती हूँ आपको, देखो ये, दिस वन इज अ मेन्यूब्रियम, दिस वन इज अ बॉडी एंड लास्ट वन इज एक्साइफोइड प्रोसेस. दिस 3 पार्ट, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्लैट बोन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस रिब्स, है ना. आप देख सकते हैं रिब्स, देखो यू कैन सी ओवर हियर क्लियरली कि इट इज ऑल्सो, सी देर आर 12 pairs, है ना, 12 ribs ऑन ईच साइड. यू कैन सी ये 1 2, आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर लिखे है 7 8 9 10, यहाँ पे 11 एंड 12 अंदर है, यहाँ दिख रही है, पीछे है पर आगे ज्वाइन नहीं हुई है इसके साथ, स्टर्नम के साथ. तो 12 पासलियाँ होती है हमारी, 12 पेर पासलियों की होती है, 24 ribs टोटल मिला के, 12 ribs ऑन ईच साइड. ईच रिब इज फ्लैट बोन कनेक्टेड डोर्सली, सी कनेक्टेड डोर्सली टू वर्टिब्रा, मीन्स वर्टिब्रल कॉलम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ी हुई होती है, और वेंट्रली टू द स्टर्नम. सभी पासलियाँ ऐसे तो हम नहीं बोलेंगे, हाँ सभी पासलियाँ पीछे की ओर किसके साथ जुड़ेंगी, करोड़ स्तंभ की कशेरुका के साथ जुड़ेगी, बट वॉक्स साइड है वो सभी पासली इससे अटैच नहीं होगी, क्योंकि 11th एंड 12th वाली कैसी है, फ्लोटिंग रिब्स आप देख सकते हैं, ये 11th एंड 12th है ना, वो फ्लोटिंग रिब है. अब देखो देखो आप यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ इलेवन एंड ट्वेल्थ, देखो आप नहीं, यहाँ आप देख सकते हैं वो आगे स्टर्नम के साथ जॉइंट नहीं हुई है ना, ये इंटरकोस्टल मसल्स है, हमने देखा था ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है ना, इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इस तरफ जाते हुए, वो यहाँ देख रहे हैं ना, ये इंटरनल है, देख लिया हमने, देखो इस तरफ देखेंगे वो इंटरनल कोस्टल मसल्स है, वो तो हमने देख लिया है. चलो तो सी हम बात कर रहे हैं किसकी, रिब्स की. ओके, कि भाई देर आर 12 pairs ऑफ रिब्स, ईच रिब इज थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डोर्सली टू
वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। 12 जोड़ होती है पांचलियों की। पीछे की ओर पृष्ठ साइड से वो करोड़स्तंभ की कशेरुका के साथ जुड़ेगी और बराबर वेंट्रल साइड यानी कि वक्ष साइड वो ये उरोस्थि के साथ ज्वाइन होगी। उरोस्थि इसको बोलते हैं स्टर्नम को। ओके, इट हैज आर्टिकुलेशन सरफेसेस ऑन इट्स डोर्सल एंड टू आर्टिकुलर सरफेसेस। दिस रिब हैज टू आर्टिकुलेशन फॉर सरफेसेस। यू कैन सी एक रिब यहाँ पे ड्रॉ की गई है, देखो आप देख सकते हैं ये एक ही रिब हमने यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं। सी दिस वन इज अ स्टर्नल एंड इट मीन्स थ्रू दिस एंड इट कैन अटैच टू द स्टर्नम। ये स्टर्नल एंड है आगे की ओर। वक्स साइड ये क्या है, उरुस्थी का उरुस्थी के साथ जुड़ेगा ऐसा एंड है, अंत भाग है जहाँ से वो उरुस्थी के साथ अटैच होगा वेंट्रल साइड। बट सी पीछे की ओर इसका हेड होता है, हेड देन नेक है ना, ट्यूबरकल, ये तीन भाग आप देख रहे हैं पीछे की ओर। तो हेड देखिए, हेड के पास टू आर्टिकुलर फेसेट्स फॉर बॉडी ऑफ वर्टिब्रा। वर्टिब्रा की बॉडी जो होती है हमने देखी थी यहाँ पे, ये पीछे की तरफ शीर्ष जो है, जो पीछे की तरफ किसके साथ हो ज्वाइन होगा, करोड़स्तंभ के साथ। तो वहाँ पे हेड रीजन शीर्ष रीजन में क्या है, आर्टिकुलर फेसेट फॉर बॉडी ऑफ वर्टिब्रा। वर्टिब्रा की बॉडी के साथ अटैच होगा वहाँ से, वर्टिब्रा हमने देखी थी ना, वर्टिब्रा की बॉडी, ये बॉडी के साथ, ये बॉडी है उसके साथ अटैच होगा, इसके साथ अटैच होगा और इसके साथ, इसके साथ, देखो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है ना, ये बॉडी है वर्टिब्रल बॉडी, यहाँ से अटैच होगा हेड और यहाँ देखो आर्टिकुलर फेसेट फॉर ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा। वो ट्यूबरकल से कहाँ से जुड़ी गई, वो अनुप्रस्थ प्रवर्त होता है ना कशेरुका का जो भी मैंने दिखाया उसके साथ जुड़ेगी, मीन्स दो आर्टिकुलर सरफेस है। तो इच सी डोर्सल से टू आर्टिकुलर फेसेट है यहाँ पे, और मैंने आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखो ये डोर्सल वाला हेड करोड़स्तंभ की कशेरुका का अनुप्रस्थ प्रवर्तन होता है उसके साथ ये जुड़ेगा क्या, ये ट्यूबरकल से, और हेड से वो किसके साथ जुड़ेगी, कशेरुका काई के साथ जुड़ेगी। ऐसे 240 आर्टिकुलर फेसेट है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये दो सरफेस से पीछे की ओर, इसलिए इसको बोलेंगे बाइसिफेलिक। इसको बाइसिफेलिक पासली हम बोलेंगे। ओके चलो आगे जाते हैं। फर्स्ट सेवन पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। फर्स्ट सेवन है वो ट्रू रिब्स है, आप देख सकते हैं ट्रू रिब्स लिखा ही है, देखो आप फर्स्ट सेवन, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन तक किया है, यहाँ से यहाँ तक की। डोर्सली सी दिस रिब्स डोर्सली दे आर अटैच टू द थोरेसिक वर्टिब्रा, मीन्स थोरेसिक वर्टिब्रा भी कितनी होगी 12, एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। सी दिस वन इज अ हाइलिन कार्टिलेज, वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है वो कोस्टल कार्टिलेज, सी सी, इन शॉर्ट में हम लिखेंगे कोस्टल का सी और कार्टिलेज का सी, सी सी, सी सी के थ्रू वो किसके साथ बाइंड होगा, स्टर्नम के साथ। तो कोस्टल कार्टिलेज वो कार्टिलेज के कितने भी टाइप, इसमें से एक ये टाइप है हाइलिन कार्टिलेज, काचवत कास्थी। अभी हम बात कर रहे हैं सच्ची पासली है, ये सच्ची पासलिया है, 1 से 7 जो पासलिया है ये सच्ची पासलिया है। वो किसको, क्यों इसको सच्ची पासली बोलेंगे, बिकॉज वो पीछे की ओर पृष्ठ साइड से करोड़स्तंभ की उरसीय कशेरुका के साथ बाइंड होगी, और आगे की ओर यानी कि वक्ष साइड वो किसके साथ बाइंड होगी, स्टर्नम यानी कि उरोस्थी के साथ। पर उरोस्थी के साथ भी कैसे बाइंड होगी, तो कि भाई ये
अनअस्थीकृत भाग है, अस्थि नहीं है यहाँ पे, कास्थि है। देखो व्हाइट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, तो वो है हाइलिन कार्टिलेज थ्रू वो अटैच होगी यहाँ पे, है ना। ओके अब आगे और बात करें तो 8, 9 and 10 सी, बाकी की सभी फॉल्स रिब्स ही है। हमारे टेक्स्ट में ऐसे सभी को फॉल्स रिब्स ही कितनी हुई, 7, 2 are 7 बराबर ना, आप बोले तो इस तरफ के साथ, इस तरफ के साथ 14 ट्रू रिब्स टोटल। फॉल्स रिब्स की बात करें तो 8 to 12 सभी है, यानी कि 5 और कुल मिला के 10, बट हमारे टेक्स्ट में ऐसे ही दिया है कि 7, 8, 9, पर 11 and 12 बोथ ऑफ देम आर फॉल्स। सी 7th, 8th and 9th पे ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली टू द स्टर्नम बट जॉइन टू द 7। सी 8, 9, 10 आप देखिए, ये 8, 9, 10 अटैच विद द 7th विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज एंड देन टू द स्टर्नम। सी पीछे की ओर किसके साथ बाइंड हुआ है, वर्टिब्रा के साथ, आगे की ओर बराबर ये कोस्टल कार्टिलेज के साथ, कार्टिलेज के साथ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वर्टिब्रल, पीछे तो वर्टिब्रा के साथ, तो वर्टिब्रोकोंड्रियल, वर्टिब्रो बराबर, यहाँ पे वर्टिब्रा के साथ पीछे पूर्व करोड़स्तंभ की कशेरुका के साथ बाइंड होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल आगे की तरफ, है ना, कॉन्ड्रल रिब्स। 7, 8 और 9 का नाम ही है ये, 7, 8 और 9 ये 3 है और टोटल मिला के 6 दोनों साइड की। ओके और लास्ट 2 है 11 एंड 12, मैंने बोला ना अभी, वो कैसी है, फ्लोटिंग रिब्स। ये किसी के साथ आगे, सी लास्ट 2 पेज ऑफ रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड देयरफॉर ये केवा केवा से फ्लोटिंग रिब्स। अब मैं क्या बोलती हूँ, मैंने बोला 7, 8, 9 and 10 वो तीनों एक साथ के, एक दूसरे के साथ जुड़ेगी और फिर 7th के साथ जुड़ेगी, डायरेक्टली बाइंड नहीं होगी स्टर्नम के साथ, इसलिए इसको कशेरुका, वर्टिब्रो बराबर, और ये कंट्रोल मिस कशेरुकी कास्थी पासली बोलेंगे इसको, और 11th और 12th आगे वर्क साइड, आगे की साइड यानी कि वर्क साइड किसी बराबर न अटैचमेंट नहीं दिखा रही है, इसलिए इसको ये कैसे बोलेंगे, तरती पासली फ्लोट करेंगी ऐसे। सी ये क्या है, स्टर्नम उरोस्थी, और टोटल 20 बराबर न 4 रिब्स, और पीछे करोड़ स्तंभ की कशेरुका, उरसीय कशेरुका, सी T12 तक है, फिर तो लंबर स्टार्ट हो जाएगी, तो 12 वर्टिब्रा टोटल मिला के 37 बोन्स टुगेदर फॉर्म व्हाट, रिब केज। आगे की ओर एक उरोस थी, 24 पास लिया यानी कि 25 हुए, और 12 क्या ऐड करेंगे उसमें, कशेरुका, है ना, उरसीय कशेरुका, तो मींस कितने हुए, 37 बोन्स टुगेदर फॉर्म व्हाट, रिब केज। तो आज हम इतना ही करेंगे, ओके चलो बाय।